नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। झारखंड का जो एक सीट है डुमरी, जो झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और कह सकते हैं आप मद्य निषेध मंत्री के मृत्यु के बाद यह सीट खाली हुई और इस सीट का जो प्रचार प्रसार है आज साथ समाप्त हो गया। इसके इस सीट को जीतने के लिए, इससे ऐसा नहीं है कि झारखंड में सरकार गिर जाएगा या सरकार बिगड़ जाएगा, है ना, या हेमंत सोरेन की वो हो जाएगी, लेकिन हाँ, हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पे है और झारखंड में जो विपक्षी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी और आजसू, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे है। आजसू बीजेपी दोनों एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं और जेएमएम कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आरजेडी, इसको आप कह सकते हैं जो नया गठबंधन बना है INDIA इंडिया, इन लोग एक तरफ है, है ना, दुतरफा मुकाबला है और मुकाबले को दिलचस्प बना दिया गया है ओबीसी के एंट्री के द्वारा। और हर एक राजनीतिक पार्टी ने यहाँ पे जीतोड़ कोशिश की है। ओबीसी ने मुकाबले को किस लिए दिलचस्प बना दिया, किस मायने में दिलचस्प बना दिया, इसके बारे में अगर आप सोचिएगा तो सोच लीजिए, ओबीसी ने इस विधानसभा उपचुनाव में आकर प्रचार प्रसार किया है, हेमंत सरकार पे हमले बोले गए हैं, हेमंत सोरेन की सरकार पे हमले बोले गए हैं, किनके द्वारा, ओबीसी के द्वारा, और यहाँ मुसलमान मतदाता बड़ी संख्या में है, है ना, तो मुकाबले को दिलचस्प बना दिया गया। ओवैसी के आने जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो मुसलमान कमोबेश भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से तो रहे, या एनडीए की जो आजसू भी कही है उनको भी तो वोट देने से रहे कमोबेश, है ना, वोट मिलेगा नहीं। तो ये सारी स्थिति है, स्थिति और परिस्थिति बनी है। दोनों तरफ से, एनडीए के तरफ से और आजसू के तरफ से जीत तोड़ मेहनत की गई है, दोनों के तरफ से टॉप लीडर्स उतारे गए, भारतीय जनता पार्टी और आजसू के जो गठबंधन है एनडीए, उसके जो है ना जीतोड़ कोशिश की गई। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पे उतरे, उन्होंने चुनाव में प्रचार प्रसार किया। आजसू के तरफ से सुदेश महतो और उनके जो विधायक हैं चंद्रप्रकाश चौधरी जो उनके सांसद हैं, और भी सारे लोगों ने, नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। हेमंत सोरेन ने भी यहाँ पर कई सभाएं की और आज तो हेमंत सोरेन ने रोड शो वाला जो है ना चीजें, सारी चीजें हेमंत सोरेन खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। किसी भी हाल में ये सीट हारना नहीं चाहती है जेएमएम, और भारतीय जनता पार्टी और आजसू किसी भी हाल में यहां से जेएमएम को हरा देना चाहती है। लेकिन बात यहां पे ये आता है कि मुकाबला द्विपक्षीय था, है ना, ओबीसी की एंट्री ने मुकाबला को त्रिकोणीय बना दिया है, त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये भी तय है कि ओबीसी की पार्टी की जीत ना के बराबर है, वो जीत नहीं सकते, लेकिन वो जेएमएम को चोट पहुंचा सकते हैं, इस तरह की स्थिति परिस्थिति है। अब वो कितना हद तक चोट पहुंचा पाएंगे, नहीं पहुंचा पाएंगे, तो आने वाली समय बताएगा, जब चुनाव हो जाएंगे, मतगणना हो जाएगी, जब रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। लेकिन उनके जो प्रत्याशी रही है असदुद्दीन ओवैसी के, AIMIM के जो प्रत्याशी हैं, है ना, अब्दुल मोमिन रिजवी, तो वो पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ सके हैं झारखंड में, और उसी सीट से लड़े हैं डुमरी से ही, और जब डुमरी से वो लड़े तो लगभग 24,000 वोट वो ले आए हैं AIMIM के तरफ से। और AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। असदुद्दीन ओवैसी खुद वहां पे चुनाव प्रचार करने के लिए आए। तो जितने भी यहां पे राजनीतिक पार्टियां हैं, इन सभी लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। हेमंत सोरेन की जो सरकार है झारखंड की, उनके तरफ से कई मंत्री यहां पे आए, उन्होंने भी यहां पे एड़ी चोटी की शक्ति लगा दी, जेएमएम के तरफ से जीत सुनिश्चित की जा सके जेएमएम के उम्मीदवार के लिए। एक तरफ तो खुद मंत्री हैं, है ना, बेबी देवी जो चुनाव मैदान में है, और ये विधवा हैं, बेवा हैं जगन्नाथ महतो की, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और आजसू के गठबंधन से आजसू के उम्मीदवार यशोदा देवी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी और इनके वोट अगर जोड़ दिया जाए, पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों अलग अलग लग गए थे, तो जेएमएम के जो प्रत्याशी थे जगन्नाथ महतो, उनसे ज्यादा वोट ले आई, अगर जोड़ा जाए तो ज्यादा वोट इनका हो जाता है। लेकिन यही होता है, गणित में एक एक नियम नहीं लगता, पॉलिटिक्स में एक एक नियम नहीं होता, 1+1 2 हो जाए, ये गणित में होता है, पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मायावती और समाजवादी पार्टी दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, और दोनों ने चुनाव लड़ने के बाद भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी अकेले ह्यूज मेजोरिटी के साथ लोकसभा चुनाव जीत गई, वहां पे 60 से ज्यादा सीटें जीती गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो इस तरह की राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है। और यहाँ पे एक और टेस्ट होगा, टेस्ट ये होगा कि कुर्मी मतदाता किस ओर जाते हैं,
किनको ज्यादा वोट करते हैं कुर्मी मतदाता, जेएमएम को करते हैं या आजसू को करते हैं? यहाँ पे एक बड़ा सवाल है, यहाँ पे बड़ी संख्या है कुर्मी मतदाताओं की। दूसरा यह है कि जो मुस्लिम मतदाता है, मुस्लिम मतदाता किसको वोट करते हैं? एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो है ना अब्दुल मोमिन रिजवी, उनको करते हैं या जेएमएम की तरफ बड़ी संख्या में जाते हैं जेएमएम की तरफ? यह बड़ा निर्णायक भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ यहां पे और एक बड़ी टेस्ट होगी जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की लोकप्रियता और सहानुभूति की। जगन्नाथ महतो इस दुनिया में है नहीं और उनकी परिवार पहली बार उनके बिना यहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़ रही है ना, उनकी पत्नी, तो उनके सहानुभूति बोर्ड्स की भी अग्नि परीक्षाएं होगी। उनकी जो लोकप्रियता है इस विधानसभा से, उसकी भी अग्नि परीक्षाएं होगी। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।